तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर मधेश को आजाद कैसे करेंगे, मधेश आजाद कैसे होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। तो मधेश को आजाद करने के कई तरीके हैं और आंदोलन के कई स्वरूप हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो अभी मौजूदा आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में हम एक सूत्रीय मांग रख लेते हैं कि भाई स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह कराओ, और हमें कुछ नहीं मांगना है, बस एक सूत्रीय मांग, स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह करो, और इसी आंदोलन को आजादी आंदोलन में मोड़ा जा सकता है। हमें उससे कोई अधिकार नहीं मांगना है, वह हम खुद निर्धारण करेंगे। जब मधेश स्वतंत्र होगा, जब मधेश का संविधान बनाया जाएगा, तो हम अपने अधिकार, हमें क्या क्या चाहिए, सब कुछ हम अपने आप निर्धारण करेंगे। अभी खाली हमें क्या कहना है कि जनमत संग्रह कराओ, स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह कराओ, जैसे स्कॉटलैंड में हुआ, उस तरह से जनमत संग्रह कराने के लिए खाली हमें आंदोलन करना है। यह पहला तरीका हुआ, और उस आंदोलन के निष्कर्ष के रूप में जब वार्ता होगी तो उसमें यही बात तय होगी कि कब वह निर्वाचन कराना है, कब वह जनमत संग्रह कराना है। उसी के लिए दोनों पक्ष, आंदोलनकारी पक्ष और नेपाल सरकार के बीच में सहमति होगी। यह पहला तरीका हुआ। बाकी दूसरे तरीकों को देखने से पहले हम एक संधि को देखें। सन 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन के अनुसार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही माना जाता है, उसके अनुसार किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के लिए चार शर्तें होती है। पहला है निश्चित भूभाग, वह मधेश के पास पहले से मौजूद है, मधेश की अपनी सीमा है, मधेश का अपना भूभाग है। दूसरी शर्त है स्थायी जनसंख्या, यानी कि परमानेंट पॉपुलेशन। तो मधेश में परमानेंट पॉपुलेशन है, स्थायी जनसंख्या है, और उसी में, उसी संधि में तीसरा क्राइटेरिया यानी तीसरी शर्त है उसकी अपनी सरकार हो, वह मधेश के पास अभी नहीं है, अभी मधेश सरकार नहीं है। और चौथी शर्त होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए सक्षम। तो जब मधेश में सरकार नहीं है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में बनाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, उसके लिए पहले मधेश सरकार चाहिए। तो यानी मधेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलने के लिए दो शर्तें पूरी है और दो शर्तें बाकी है, यानी कि मधेश सरकार चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध चाहिए। तो इस कारण से स्वतंत्र मधेश देश बनाने के लिए अगला चरण होना चाहिए मधेश की सरकार गठन करना, मधेश का अपना संसद गठन करना, यह अगला चरण होना चाहिए। तो देश बनाने का दूसरा तरीका है नेपाल के संसद में जितने भी मधेशी सांसद मौजूद हैं, जितने भी सांसद जो मधेश से जीत कर गए हैं, वे सभी वहां से राजीनामा देते और यहां पर मधेश में आकर मधेश संसद बनाते, अंतरिम मधेश संसद का गठन करते और वहीं से मधेश सरकार का गठन करते। इससे क्या होता कि मधेश को सरकार मिल जाती और वह सरकार बनने के बाद हम दूसरे देशों से संबंध स्थापित कर सकते। तो यह भी एक तरीका है। और इसमें फायदा क्या है कि जो लोग नेपाल के संसद में गए हैं मधेश से, वह पहले से निर्वाचित है। तो अगर ऐसे निर्वाचित सांसद वहां से राजीनामा देकर मधेश के संसद बनाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगा, क्योंकि वे लोग तो पहले से ही निर्वाचित हैं। और मधेश का अंतरिम संसद और सरकार बनने के बाद वहां से हम उद्घोष करते कि मधेश अब स्वतंत्र देश बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील करते कि आप सभी अब मधेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए और हम सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ते। और मधेश को आजाद करने का तीसरा तरीका है कि दसों लाख की संख्या में मधेशी जनता एकत्रित होकर
वहीं से मधेश की सरकार की घोषणा करते, क्योंकि वहां पर 10 लाख की संख्या में जनता मौजूद रहेगी, तो वही मधेश की सरकार के लिए जन समर्थन है, वही जनमत है। और उस आधार पे मधेश की सरकार गठन करने के बाद वहीं से मधेश आजाद है कह के हम सब घोषणा करते और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए आह्वान करते। तो यह भी एक तरीका है। और मधेश को आजाद करने के लिए चौथा तरीका और संभवतः सबसे प्रभावकारी तरीका है, मधेश में स्वयं अपना निर्वाचन कराकर मधेश संसद गठन करना और मधेश की सरकार बनाना, और उस तरह से मधेश का संसद और सरकार निर्वाचित रूप में बनाने के बाद वहीं से मधेश को स्वतंत्र घोषणा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए आह्वान करना, यह चौथा तरीका है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं। तो हम सब अभी इनमें से सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है, सबसे जो प्रभावकारी मार्ग है, उसी को अपने रोड मैप के रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि चौथा तरीका है, यानी कि मधेश में स्वयं निर्वाचन कराना और मधेश के संसद और सरकार का गठन करना। इस रास्ते में मुख्यतः तीन चरण आता है। पहला चरण होता है कि जनमत तैयार करना, स्वतंत्र मधेश के पक्ष में जनमत तैयार करना, यानी कि लोगों तक, गांव-गांव तक, वार्ड-वार्ड तक मधेश में पहुंचकर लोगों को स्वतंत्र मधेश के पक्ष में विचार बनवाना। उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्र मधेश के पक्ष में लॉबिंग करना और उनका विचार स्वतंत्र मधेश के पक्ष में बनाना, यानी कि यह पहला चरण है जिसमें हम जनमत तैयार करते हैं स्वतंत्र मधेश के पक्ष में। और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं, कौन सभा, आम सभा, जनचेतना अभियान, जागरण अभियान चलाया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न किस्म की लॉबिंग की जा सकती है, गोष्ठी किया जा सकता है स्वतंत्र मधेश के पक्ष में जनमत बनाने के लिए। यह पहला चरण है। दूसरा चरण है मधेश में निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक राजनीतिक संयंत्र बनाना। निर्वाचन कराएंगे तो उसके लिए निर्वाचन आयोग भी चाहिए, राजनीतिक संयंत्र चाहिए, संवैधानिक संयंत्र चाहिए। तो हम सब मुख्य रूप में एक उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र बनाएंगे जिसमें शीर्ष नेता, पार्टियों के अध्यक्ष, इस तरह के आदमी मौजूद रहेंगे, जो कि मधेश के राजनीतिक डिस्कोर्स, राजनीतिक रणनीति निर्धारण करेंगे। दूसरा संयंत्र है उच्च स्तरीय संवैधानिक सुझाव समिति, क्योंकि जो भी कुछ प्रक्रिया हो रहा है, जो भी हम सब निर्वाचन कराएंगे, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुरूप हो रहा है कि नहीं, उसे निर्देश करने के लिए एक उच्च स्तरीय संवैधानिक सुझाव समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें कि भूतपूर्व न्यायाधीश, संविधानविद, वकील आदि रह सकते हैं। और तीसरा संयंत्र है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करना, क्योंकि मधेश में जो निर्वाचन कराएंगे उसके लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करना, मतदाता नामावली तैयार करना, वहां पर सफल रूप में निर्वाचन कराना और मत परिणाम घोषित करना, यह सब काम निर्वाचन आयोग का होगा। और इसमें भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकृत और भी वरिष्ठ लोग सब इसमें समावेश होकर इस आयोग को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी और आवश्यक राजनीतिक संयंत्र भी बनाया जा सकता है। और तीसरा चरण होता है कि मधेश में निर्वाचन संपन्न करना, मधेश के संसद बनाने के लिए निर्वाचन संपन्न करना। तो यह निर्वाचन हरेक क्षेत्र में, मधेश के हरेक क्षेत्र में होगा, और वहां से हरेक क्षेत्र के लिए एक मधेश का सांसद चुना जाएगा, उसके लिए निर्वाचन कराना, और वह निर्वाचन कराने के बाद मधेश का संसद बनेगा, मधेश की सरकार बनेगी, और वहां से हम सब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए आह्वान करेंगे। तो इस तरह से आजादी आंदोलन के
इस स्वरूप में मुख्यतः तीन चरण मौजूद है जिससे हमें होकर गुजरना पड़ेगा और तभी मधेश आजाद देश के रूप में स्थापित हो सकता है। और इस रोड मैप के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस प्रक्रिया में नियंत्रण जो है वह पूर्णतः अपने हाथों में रहेगा, यानी कि हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हम नेपाल सरकार से मांग नहीं रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब तक वह खुश न हो जाए। अभी के जो मधेश आंदोलन है उसमें नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है, हम उनसे मांग रहे हैं, हम नेपाल सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, और वह पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई है। तो मधेश आंदोलन में नियंत्रण हमारे पास नहीं है, इसीलिए इतनी समस्याएं आ रही है। लेकिन आजादी आंदोलन के इस स्वरूप में नियंत्रण पूर्णतः हमारे हाथों में है, निर्वाचन कराना न कराना हमारे हाथों में है, मधेश की सरकार बनाना न बनाना हमारे हाथों में है, वह नेपाल सरकार के हाथों में नहीं है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि अगर इस निर्वाचन में केवल 50% भी मतदान होता है तो स्वतः यही निर्वाचन जनमत संग्रह का काम करेगा, क्योंकि यह निर्वाचन जो हो रहा है स्वतंत्र मधेश का संसद बनाने के लिए हो रहा है। तो जो भी लोग मतदान कर रहे हैं वह स्वतंत्र मधेश के पक्ष में पहले से ही मतदान कर रहे हैं, तो इस कारण से अगर 50% भी मत इसमें गिरता है तो इसका मतलब है कि बहुसंख्यक जनता आजादी चाहती है, यही निर्वाचन जनमत संग्रह के रूप में काम करेगा। तीसरा फायदा है कि इस निर्वाचन के जरिए हमें निर्वाचित मधेश सरकार और निर्वाचित मधेश संसद मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी को ऐसे पकड़कर संसद नहीं बना रहे हैं, ऐसे पकड़कर मधेश की सरकार गठन नहीं कर रहे हैं, यह निर्वाचित है, मधेश की जनता द्वारा निर्वाचित है, तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और चौथा फायदा यही है कि यह सरकार निर्वाचित होने के कारण, यह संसद निर्वाचित होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में बहुत आसान होगा, क्योंकि जनता ने जब निर्वाचित किया है तो वह तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मानना पड़ेगा, तो यह बहुत ही बड़ी बात है। पांचवा फायदा यह है कि यह जब निर्वाचन होने लगेगा, जब लोग अपने अपने क्षेत्र में सांसद पद के लिए उम्मीदवारी देने लगेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टियां, जो लोग अभी स्वतंत्र मधेश के पक्ष में नहीं भी है, वे लोग भी उम्मीदवारी देंगे। भले ही जिला के अध्यक्ष जो है वे नहीं लगे, लेकिन बाकी और लोग जो रहेंगे पार्टी के, वे सभी लोग इस निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो इस प्रक्रिया में सभी को समेट कर हम सब आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं वह भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ेंगे ही, इस प्रक्रिया में सभी को समेट कर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यह भी बहुत ही बड़ी बात है। और छठा फायदा है कि इसमें अपेक्षा से ज्यादा जनमत स्वतंत्र मधेश को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी गांव में जब निर्वाचन होने लगता है तो वहां पर जो वृद्ध होते हैं, जो अशक्त होते हैं, जिसे चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, वे लोग भी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उसमें मत गिराने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही स्वतंत्र मधेश के संसद के लिए निर्वाचन होने लगेगा तो वहां पर ऐसे लोग भी खुशी खुशी साथ जाएंगे जिसे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं रहता है, और इस हिसाब से स्वतंत्र मधेश के लिए अपेक्षा से ज्यादा जनमत आपको मिलेगा, तो यह भी फायदा है। आजादी आंदोलन के इस स्वरूप में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला चुनौती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि नेपाल सरकार के पास सेना है, पुलिस है, क्या वह हमें यह निर्वाचन कराने देगी? तो देखिए,
पिछले कुछ महीनों से जो मधेश में आंदोलन चल रहा है, तो उसमें देखिए मधेशी जनता ने लगभग पूरा पूरा नियंत्रण मधेश का अपने हाथों में ले लिया है। न तो कोई सरकारी कार्यालय चल रहा है, न तो सरकारी यातायात चल रही है, सब कुछ बंद है एक हिसाब से। तो मधेशी जनता ने इस तरह से पूरे मधेश को अपने नियंत्रण में रख लिया है। तो जब मधेशी जनता पूरे मधेश को अपने नियंत्रण में इस हद तक रख सकती है, तो क्या निर्वाचन नहीं करा सकती है? वह भी गांव में? बिल्कुल करा सकती है। दूसरी बात, जब यह आंदोलन अभी हो रहा है, उसमें मधेशी जनता राजमार्ग बंद करने जाते हैं, नाका बंद करने जाते हैं, जिसमें कि एक ओर पूरी तरह सेना और पुलिस रहती है और एक ओर मधेशी जनता रहती है, फिर भी भिड़ंत करके भी हम सब वह काम करते हैं, राजमार्ग को बंद करने में सफल रहते हैं, नाका को बंद करने में सफल रहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, यानी कि नेपाली सेना और पुलिस से भिड़कर भी हम सब मधेश के जो राजमार्ग है उसे बंद करने में सफल रहते हैं, नाका बंद करने में सफल रहते हैं। तो निर्वाचन क्यों नहीं करा सकते? निर्वाचन कराने में सेना और पुलिस से भिड़ना तो नहीं पड़ेगा, यह कन्फ्रंटेशनल नहीं है। इसमें आप सीधे नेपाली सेना और पुलिस से भिड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, उन्हें कोई बाधा अवरोध पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी चीज को रोकने के लिए नहीं जा रहे हैं। बस इसमें हम अपना काम गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं, अपना निर्वाचन कर रहे हैं, यानी कि यह कन्फ्रंटेशनल नहीं है, यह भिड़ंत, यह आमने सामने वाला भिड़ंत नहीं है। इसी में तीसरी बात, निर्वाचन जो होगा वह गांव-गांव में होगा, और गांव में जब होता है तो वहां पर पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे गांव के लोग जो है उठकर खड़े हो जाते हैं। और यह निर्वाचन जो होगा वह तो सभी गांव में होगा, एक बार उतने गांव में जब होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, तो वहां पर नेपाल पुलिस और सेना कहां कहां जाकर हस्तक्षेप करेगी, कहां कहां निर्वाचन रोक पाएगी? और चौथी बात, अगर किसी जगह पे निर्वाचन को भाड़ भी देता है, रोक भी देता है, किसी जगह पर बाधा पहुंचा भी देता है, तो यह जरूरी नहीं है कि हरेक गांव में, हरेक जिले में निर्वाचन एक ही दिन में सफल हो जाए, यह निर्वाचन में जरूरी नहीं होता है। निर्वाचन अनेक चरण में किया जाता है, 2 महीना 3 महीना लगाकर भी किया जा सकता है। तो 2-4 जगह पे अगर बाधा डाल भी देती है तो दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे। अभी भी तो जब निर्वाचन होता है तो बहुत सारे बूथों पर बाधाएं आती है, कैंसिल होता है, तो उसी तरह हम भी मानेंगे कि कुछ बूथ पर हस्तक्षेप होने के कारण से निर्वाचन डिस्टर्ब हुआ, उस पर बाद में कर लेंगे। इस हिसाब से हम सब मधेश में सफल निर्वाचन कर सकते हैं, बस आत्मविश्वास रखना होगा। इसी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही आप दूसरी चुनौती भी देख सकते हैं, जहां पर मधेश में स्वतंत्र मधेश विरोधी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर निर्वाचन कैसे करेंगे? तो क्या है कि निर्वाचन कराने के लिए हर एक गांव में उसी जगह बूथ रखना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं होता है। यानी कि हम मतदान सेंटर को सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं और उस क्षेत्र के लोगों को उस सुरक्षित जगह पर आकर मतदान करने के लिए बोल सकते हैं। वह सुरक्षित जगह सदर मुकाम भी हो सकता है या कोई दूसरा गांव भी हो सकता है, दूसरा क्षेत्र भी हो सकता है, जहां पर आकर वे लोग मतदान कर पाएंगे। तो यह बिल्कुल संभव है। मधेश में स्वयं निर्वाचन कराने की दूसरी चुनौती है आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि जब निर्वाचन होता है उसमें अरबों रुपया खर्च होता है, अरबों का बजट बनता है, तो उतना पैसा हम सब कहां से लाएंगे कि निर्वाचन कराएंगे? क्योंकि नेपाल भी जब अभी निर्वाचन कराता है तो अरबों रुपया खर्च करता है, तो हम सब अरब रुपया कहां से लाएंगे कि हम सब निर्वाचन कराएंगे? तो देखिए, यह जब आप ऊपर से देखते हैं तब ऐसा लगता है, और सचमुच में अरबों रुपया खर्च होता है निर्वाचन में, लेकिन हम सब जन स्तर से देखते हैं,
आंदोलनकारी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस चुनौती को भी हम सब सामना कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले कुछ महीनों से जो यह आंदोलन चल रहा है उसमें आपके गांव को खाली लीजिए, आपके गांव से कितना खर्च हुआ है? बहुत सारा खर्च हुआ है। कई बार आपको दर्जनों ट्रैक्टर किया गया, कई बार सैकड़ों कार्यकर्ता को खिलाना पिलाना पड़ा, टेंट सामियाना की व्यवस्था करना पड़ा, तो इस आंदोलन में भी बहुत सारा खर्च हुआ है। तो सोचिए इस आंदोलन में जितना खर्च हुआ है उसके 4-5 दिन के ही अगर खर्च निर्वाचन कराने में लगाते हैं तो क्या उस गांव में निर्वाचन होगा कि नहीं? खाली अपने गांव के विषय में सोचिए, आखिर निर्वाचन कराने में क्या खर्च लगता है? 2-4 मास लगाना पड़ता है, 2-4 टेबल लगाना पड़ता है, एक टीन का डब्बा चाहिए, और अंत में जब निर्वाचन हो जाएगा तो वहां से मतपेटिका को सदर मुकाम तक लाना पड़ता है, यही खर्च होता है ना। तो यह तो 4-5 दिन आंदोलन में जितना खर्च लगा है उतना खर्च लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल खर्च नहीं है, वह खर्च हर एक गांव के लोग खुद उठा सकते हैं और इस निर्वाचन को संपन्न कर सकते हैं। तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी संभव है। तीसरी चुनौती है कि जनशक्ति कहां से लाएंगे निर्वाचन कराने के लिए। तो नेपाल सरकार भी जब निर्वाचन कराती है तो वह भी सरकारी कर्मचारी लगायत को घटाते हैं। तो हम भी जब निर्वाचन कराएंगे तो मधेश में जितने कर्मचारी हैं या जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जितने युवा हैं, उन सब का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर तालीम की जरूरत पड़ी तो उन्हें ही हम सब 4-5 दिन की तालीम दे सकते हैं और निर्वाचन के लिए रवाना कर सकते हैं। तो जनशक्ति की भी बिल्कुल समस्या नहीं है। चौथी चुनौती है कि क्या इस निर्वाचन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। तो देखिए, अगर हम सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुरूप करते हैं, सब कुछ एक संवैधानिक प्रक्रिया अंतर्गत करते हैं, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करके हम सब आगे बढ़ते हैं, उस निर्वाचन आयोग का नेतृत्व कोई हाई प्रोफाइल आदमी करता है, जैसे कोई भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त करता है, तो इसे जरूर मान्यता मिलेगी। मान लीजिए नेपाल में जिसने निर्वाचन कराया हो, ऐसे बहुत सारे मधेशी निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, अगर उन्हीं को मधेश में भी यह निर्वाचन करने की जिम्मा दी जाती है और स्वतंत्र मधेश निर्वाचन आयोग गठन करके दी जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सकेगा। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऑब्जर्वर को बुला के, पत्रकारों को बुला के, अन्य संघ संस्थाओं को बुलाकर, और हो सकता है तो यूनाइटेड नेशंस को भी बुलाकर अगर कराते हैं तो इस निर्वाचन को मान्यता बिल्कुल मिलेगी। विगत के महीनों में मधेशी जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हरेक किस्म का संघर्ष किया, हरेक बलिदानी दी है, हरेक आंदोलनकारियों ने दिन रात एक करके मेहनत किया है, सभी पार्टी के नेताओं ने उतना ही मेहनत किया है मधेश आंदोलन को सफल बनाने के लिए, और इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु नेपाली शासक टस से मस नहीं हुए, उल्टा हम पर दमन करते रहे, हम पर गोली चलाते रहे। अधिकार देने की बात तो दूर, वह हमारे अधिकार को और छीनते रहे। तो यह स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल साफ है कि नेपाली शासन के अंतर्गत हमें कोई अधिकार कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे आंदोलन के बाद हम सभी एक जगह बैठकर अब समीक्षा करें और आगे की रणनीति तय करें। आगे का सही रास्ता क्या होगा उस पर विचार विमर्श करके हम अब आगे बढ़े, आजादी की ओर आगे बढ़े। अब यह सही समय है, अब आजादी ही एकमात्र विकल्प है और हम सभी को अब
ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर सही समय पर हमने निर्णय नहीं लिया तो हमारे अस्तित्व खतरा में है, हमारे अस्तित्व मिटने से अब कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि जितने भी मधेश के नेता हैं, पार्टियां हैं, आंदोलनकारी हैं, वे सब एक जगह बैठे, मधेश में सर्वपक्षीय रूप में एक बैठक हो और सभी लोग, जिला स्तर के नेता भी और केंद्र स्तर के नेता भी, सभी लोग यह निर्णय ले कि अब स्वतंत्र मधेश के लिए ही आंदोलन करना है। यह निर्णय लिखित रूप में ले ले, क्योंकि मधेश की भी सभी पार्टियों ने कहा ही था कि अगर अधिकार संपन्न स्वायत्त मधेश प्रदेश नहीं मिलता है तो हम सब मधेश देश के लिए ही लड़ेंगे। तो अब ज्यादा इंतजार करना किसी भी मायने में उचित नहीं है। हम सब ने देख लिया है, इतना बड़ा आंदोलन करके देख लिया है कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो वह टिकने वाला नहीं है। तो यह हर एक स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, जिला के स्तर पर और गांव के स्तर पर भी यह लिखित रूप में निर्णय ले ले कि अब हमें स्वतंत्र मधेश के लिए ही आंदोलन को आगे बढ़ाना है। यह सबसे पहला स्टेप हो। और मधेसी जनता को इस दौरान क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्र मधेश के लिए चेतना फैलाए, जन जन तक स्वतंत्र मधेश के लिए आवाज उठाने के लिए बोले, उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दे, जगह जगह पर संगठन निर्माण करे स्वतंत्र मधेश के लिए, क्योंकि संघ मूलम महाबलम, क्योंकि संगठन में ही वह महाशक्ति होती है जो हमारे सपनों को साकार कर सकता है, मधेश को आजाद कर सकता है। और जिस दिन स्वतंत्र मधेश के लिए 10 लाख जनता तैयार हो जाएगी, उसी दिन हम सब निर्वाचन की घोषणा कर सकते हैं और स्वतंत्र मधेश के लिए उद्घोष कर सकते हैं। धन्यवाद।